अरे मैया तो अभी काम पर है। उनकी चकिया चला रही थी, पांचों पांडव जो भिक्षा से धन लाते हैं चकिया से पीस कर अन्न से आटा निकाल कर उनके पेट का निर्वाह करती है। तो बोली भैया अभी तेरी मैया काम पर है। कुंती बोली अरे अंदर ही से मैया तो अभी काम पर है। और लाडले आज की हा हा भिक्षा में पांचों का अंश बराबर है। पांचों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा है। भीम चिल्लाने लगे मैया गजब हो गया, इस आदेश का पालन कैसे करें? आज की भीख कोई साधारण भीख नहीं है। और चिल्लाए अरे बाहर तो आओ, इस आज्ञा को अरे कैसे पाले। आज की भीख और वो भीख नहीं, कोई आटा चावल गेहूं थोड़ी है। आज की भीख वो भीख नहीं जिसका बंटवारा कर जाए। अरे भैया ये जींस नहीं है, प्राणी है प्राणी। और एक जीव को पांच भागों में कैसे बांटा जाए? कुंती ने चकिया को बंद किया और जैसे ही दरवाजा खोला क्या देखा? सामने देवी द्रौपदी खड़ी है, जो पंच कन्याओं में अद्वितीय कन्या है। एक सासू मां ने अपनी बहू को अवलोकन किया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, गोद में बैठा लिया। मैंने कल बताया था कि दूसरे की लड़की अगर आपके यहाँ बहू बन के आए तो उसे कैसे रखो, तब आपका घर स्वर्ग होगा। तो आज बड़ा दुलार किया कुंती मैया ने। कुंती ने अर बाहर निकल द्रौपदी बुला तन मन से अरे उस पर हुई मन मन में बलिया। बहू के मुख को चुम्बन कर लिया। धन्य है परमात्मा का स्नेह। कुंवर पुराने वासियों बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं। आज से 20 साल पीछे हटके देख लो, सभी बच्चों के लाल कबक्ती थी लाल।